Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 12, Application of Trigonometry. और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.1 कवर की है और अब हम उससे आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमारा टॉपिक अब चेंज होता है थोड़ा सा. पहले तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज देखी, ठीक है, जो कि 0, 30, 60 और 90 डिग्रीज के अलावा थी, ठीक है, एंगल्स, उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमने देखी. यानी कि हमने टेबल्स को डिस्कस किया था, नेचुरल साइंस के, नेचुरल टेंजेंट, नेचुरल को साइंस के. तो अब हमारा थोड़ा सा टॉपिक जो है वो चेंज होता है. वो है, टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ठीक है. यानी कि हमने अब राइट ट्राइंगल्स के सॉल्यूशन की तरफ आना है. राइट ट्राइंगल क्या होती है वो आपको अभी तक पता होगा, या नहीं भी पता तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है. अगर एंगल के सिनेरियो में अगर बात की जाए तो एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं, उसमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है. तो वो ट्राइंगल जो होती है वो राइट ट्राइंगल होती है. ये मैं आपके सामने एक फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ राइट ट्राइंगल की. इस तरह से ये एक साइड है और ये आप कह लें ये एक साइड है. ये दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है. तो थर्ड साइड जो है वो इन दोनों को आपस में जॉइन कर दें तो हमारे पास ये ट्राइंगल बनती है. तो यहाँ पर आपको ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का नजर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर. तो ये ए बी सी, लेट्स सपोज ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है. इसका हमने सोल्यूशन अब देखना है. सोल्यूशन हम किस तरह से देखते हैं कि एक ट्राइंगल का सोल्यूशन क्या होता है. अच्छा, अगर किसी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल का सोल्यूशन आपने फाइंड करना है तो उसमें दो चीजें आती हैं. या तो आपने क्या फाइंड करना होगा, मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल्स, ठीक है. यानी कि एक एंगल का तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री है, बाकी जो दो एंगल्स हैं, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है. तो मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल्स, इनको फाइंड अगर आप कर लें, ठीक है, इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ टू फाइंड मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल्स. ये दो एंगल्स जो हैं इनको अगर आप फाइंड कर लें तो ये होता है इसका सोल्यूशन. या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि द लेंथ आप फाइंड करें, द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, यानी कि एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स होती हैं, ठीक है. तीनों साइड्स अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो वो भी एक सोल्यूशन बनता है, ठीक है, लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है. तो ये दो तरह के सोल्यूशंस हैं जो आपको गिवन है, जो आपने फाइंड करना है वो उसके हिसाब से होता है कि आप किस तरह से सोल्यूशन आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है. तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं. देखें, मैंने इस 12.1 से जो लेक्चर आया, पहले आया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था, या फिर आप कह लें कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल के, कोई भी ट्राइंगल हो, राइट ट्राइंगल है या कोई और ट्राइंगल है, ठीक है, तो उस ट्राइंगल के छः जो है एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. तो आपको इस ट्राइंगल में भी छः एलिमेंट्स नजर आएंगे. ये ए साइड, ये सी साइड, ये बी साइड, इस तरह से ये साइड्स हैं तीन, ए बी सी, और उसके अलावा आपको तीन एंगल्स नजर आ रहे होंगे. एक राइट ट्राइंगल है और ये बाकी दो एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है. तो तीन एंगल्स हो गए और थ्री एंगल्स और तीन ही साइड्स हैं, ठीक है, थ्री साइड्स, ठीक है. आप इसको कह लें कि ये गैमा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है. तीन एंगल्स मैं साथ में लिख देता हूँ. थ्री एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गैमा. इसी तरह से थ्री साइड्स जो हैं ए बी और सी, ये तीन साइड्स हैं और तीन एंगल्स हैं. टोटल छः एलिमेंट्स बनते हैं. अब इसमें से कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे और कुछ आपको फाइंड करने होंगे, तो वो होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है. तो इस केस में अभी हम राइट ट्रायंगल को डिस्कस करें, इसलिए हम कहेंगे ये सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल है, ठीक है. अच्छा, तो एक पहला कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या हमें गिवन हो सकता है और क्या हमें फाइंड करना होगा, ठीक है. तो पहला केस मैं लिखने जा रहा हूँ. फर्स्ट केस है व्हेन मेजर ऑफ
टू साइड्स, दो साइड्स जो हैं आपको गिवन, और टू साइड्स आर गिवन। जब आपको दो साइड्स की लेंथ गिवन हो, उसकी मेजरमेंट गिवन हो, ठीक है, तो आपने बाकी एलिमेंट जो है फाइंड करने, वो राइट ट्राइंगल का सोल्यूशन होगा। लेकिन हमने देखें, आप पहले हमने ये डिस्कस किया था कि कम से कम हमारे पास जो है वो तीन एलिमेंट्स पता होने चाहिए, उनकी मेजरमेंट हमारे पास होनी चाहिए, तब हम बाकी तीन एलिमेंट जो है वो फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें तो हमें दो साइड गिवन है, ये तो उसके मुताबिक ना हुआ, ठीक है। तो इसके साथ मैं ट्रायंगल भी बना देता हूँ। ये ट्रायंगल है, डिफरेंट कलर से बनाते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, और इसी तरह से ये बेस, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस के नाम पे रख देते हैं, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स, ठीक है। ये तीन वर्टिसेस हैं, और साइड्स के नाम भी रख देते हैं। साइड्स के नाम मैं डिफरेंट कलर से रखता हूँ। ये है जी ए वर्टेक्स के ऑपोजिट ए साइड, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट बी साइड, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट सी साइड, ठीक है। और जो हमें मेजरमेंट्स गिवन है वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमें कहा क्या गया है, सॉल्व द राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल आप इसे कह सकते हैं, राइट ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है, जिसमें हमें गिवन क्या है, इन विच बी साइड की मेजरमेंट गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है 30.8 है। उसके अलावा सी साइड की मेजरमेंट हमें गिवन है, सी इज इक्वल टू 37.2। और आप देखें तो ये हमारे पास एंगल, क्या ये एंगल आपको पता है कितना है? नहीं पता। क्या ये एंगल आपको पता है कितना है? ये भी नहीं पता। लेकिन क्या ये वाला एंगल आपको पता है? हाँ, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये एंगल कितना है, क्योंकि दो साइड जब परपेंडिकुलर होती हैं आपस में तो उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि इसको आप क्या कह दें, गैमा कह दें, सी के ऑपोजिट है, तो गैमा एंगल है, गैमा एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ से कह देते हैं गैमा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्या गिवन हो गया, बी साइड, बी साइड जो है वो 30.8 है, सी साइड जो है वो 37.2 है। अब आप फिगर की तरफ देखें तो आपके पास तीन मेजरमेंट्स आ गई, दो साइड्स और एक एंगल आ गया, ठीक है। ये अगर आपको गिवन भी नहीं है तो आप खुद से कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों साइड जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये परपेंडिकुलर हैं तो इसको आप कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एंगल भी देख लिया, उसके अलावा बाकी जो एंगल्स हैं उसके नाम तो लिख देते हैं हम। ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा, और ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा आपको नहीं पता, उनकी वैल्यूज नहीं पता, ठीक है। तो उसके अलावा ए साइड की भी वैल्यू आपको नहीं पता, उसकी लेंथ भी नहीं पता ए साइड की। तो ये तीन चीज़ें आपने फाइंड करनी है, तीन चीज़ें आपको गिवन होगी, बी साइड है, सी साइड है, उसके अलावा गैमा आपको गिवन है, ठीक है। तीन एलिमेंट्स आपको गिवन है, तीन एलिमेंट्स जो आपने फाइंड करने वो मैं साइड पे लिख देता हूँ। कौन कौन से आपने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, एक तो ए साइड आपने फाइंड करनी है, उसके अलावा अल्फा आपने फाइंड करना है, उसके अलावा बीटा भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। ए साइड, अल्फा, बीटा, ये तीन एलिमेंट्स आपने फाइंड करने हैं, जबकि आपको गिवन क्या है, बी साइड, सी साइड और गैमा एंगल, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें हमें गिवन है उसकी हेल्प से हमने फाइंड करनी है चीज़ें बाकी, ठीक है। तो यहाँ से देखें, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपको बेस गिवन है, ठीक है, और इसके अलावा इन दोनों की मदद से आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, कॉज अल्फा या कॉज ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का नाम अल्फा है इसलिए मैं इसको कॉज अल्फा कह रहा हूँ। कॉज अल्फा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस केस में बेस क्या बनती है, इस एंगल के लिहाज से ये बी, ठीक है, बी ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, सी,
तो क्या हमें ये बी और सी गिवन नहीं है? बिल्कुल गिवन है, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यूज इसकी जगह पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू है 30.8 और सी की वैल्यू जो है वो 37.2 है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.8280, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है बी को आपने जब सी से डिवाइड किया, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। कॉस अल्फा किसके इक्वल हो गया? 0.8280 के, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें, हम फाइंड किया कर इसको हमने क्यों लिखा इस तरह से, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये, क्योंकि इसमें अल्फा आ रहा है, ठीक है, और अल्फा हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.8280, ये आप कॉस इनवर्स आप इसका ले लें तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस इनवर्स आप उसी तरह से टेबल से, जिस तरह से मैंने 12.1 में डिस्कस किया था कि किस तरह से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर गिवन हो, ये वही केस बन जाता है ना कि यहाँ पर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है और आपने एंगल फाइंड करना है, तो वही केस है। आप टेबल से आपको इसको फाइंड कर सकते हैं, टेबल से आप देख के जो प्रोसीजर मैंने आप बताया था उस तरह से आप देखेंगे तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अल्फा की वैल्यू आएगी 34 डिग्री एंड 6 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अल्फा आ चुका है, तो एक एलिमेंट आपने यहाँ से फाइंड कर लिया। यहाँ पे साथ मैं लिख भी देता हूँ, अल्फा हमने फाइंड किया है जी, डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि जो जो हमने फाइंड किया वो ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अल्फा, अल्फा यहाँ पर है, अल्फा किसके इक्वल आ चुका है जी, 34 डिग्री एंड 6 मिनट्स, ठीक है। अब हम बाकी भी वैल्यूज फाइंड करेंगे, बाकी एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। एक तो बीटा है और एक ए साइड है, ठीक है। तो बीटा हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? देखें, आपको जब दो एंगल्स अगर आप देखें तो दो एंगल्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? एक गैमा और एक अल्फा, ये दो एंगल्स आपके पास आ गए हैं, एक एंगल आपको नहीं गिवन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, अल्फा इज इक्वल टू है 34 डिग्री 6 मिनट, और इसके अलावा गैमा आपको गिवन है 90 डिग्री, उसके अलावा आपने बीटा फाइंड करना है। तो आप ये देखें कि किसी भी ट्राइंगल, ये मैंने इसी चैप्टर में पहले बात की है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, तीनों एंगल्स का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये तीनों एंगल्स हैं, इनका सम किसके इक्वल होता है? कोई भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज आप देख लें, आपके पास बीटा नहीं है तो बीटा को इसी साइड पर रहने देते हैं, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, ठीक है। तो 180 तो आपको पता है, माइनस अल्फा, अल्फा जो है वो 34 डिग्री 6 मिनट्स है, इसी तरह से गैमा जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो बीटा यहाँ से अगर आप इसको मतलब के सॉल्व करें, 180 माइनस 34 डिग्री 6 मिनट एंड माइनस 90 डिग्री, तो आपके पास बीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 55 डिग्री एंड 54 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपके पास बीटा की भी वैल्यू आ गई, तीनों एंगल्स आपके पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ फिगर के अंदर, जो हम फिगर हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो अल्फा बीटा, बीटा की वैल्यू आ चुकी है जी 55 डिग्री एंड 54 मिनट्स, ठीक है। अब हमारे पास एक साइड रहेगी है ए साइड, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। बाकी दो एलिमेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो वो हम साइड किस तरह से फाइंड करेंगे? देखें, आपके पास बाकी सब एलिमेंट्स आ चुके हैं, अगर आप इस पे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देखें जिसमें ए आए और बाकी जो मर्जी आ जाए, आप बाकी तो वैल्यू पुट कर देंगे ना, फिर आपके पास यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, साइन अगर आप देखें, साइन ऑफ अल्फा तो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसमें आपको परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, अल्फा भी आपको गिवन है, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे ए की वैल्यू, ठीक है। तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, ए है, ठीक है, ए, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज जो है वो सी के इक्वल है, तो ये आ गया ए ओवर सी।
अब a की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसको तो इस तरह से हम लिख देते हैं, c की वैल्यू हमें गिवन है 37.2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ चुका है a ओवर 37.2, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू a ओवर 37.2। अच्छा, उसके अलावा आप देखें तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जो आई थी 34 डिग्री एंड 6 सेकेंड 6 मिनट्स, वो भी मैं पुट कर देता हूँ, साइन ऑफ 34 डिग्री एंड 6 मिनट्स इज इक्वल टू ए ओवर 37.2। तो यहाँ से हम जो है इसको सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 37.2 इंटू साइन ऑफ 34 डिग्री एंड 6 मिनट, ठीक है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो साइन ऑफ 34 डिग्री 6 मिनट की आप नेचुरल साइन जो टेबल है उसमें से आप उसकी वैल्यूज देख सकते हैं, वो इक्वल आएगी 0.। मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ क्योंकि तरीका आपको मैंने पहले बता दिया है, तो आप वो उसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने फाइंड जरूर करनी है ये वैल्यूज, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप को समझ भी आ जाए अच्छी तरह, ठीक है। ये आ गया 37.2 इंटू 0.5606, ये वैल्यू आती है साइन टेबल से, ठीक है, नेचुरल साइन टेबल से, साइन ऑफ 34 डिग्री एंड 6 मिनट्स की। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ए की वैल्यू, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 20.855, जिसको हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 20.9, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर कर दें तो। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, a भी हमने फाइंड कर लिया 20.9, ठीक है। तो 6 6 आप एलिमेंट देखें, c भी आपने फाइंड, c गिवन था, b गिवन था, गैमा गिवन था, ठीक है, अल्फा आपने फाइंड किया, बीटा आपने फाइंड किया, a साइड आपने फाइंड की, तो यानी कि 6 6 एलिमेंट्स आपके पास अब आ चुके हैं। तो ये था सोल्यूशन हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके भी लिख देता हूँ, जो जो हमने फाइंड किया, ए की वैल्यू हमने फाइंड किया जो कि आई है 20.9, उसके अलावा अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड किया जो कि आई है 34 डिग्री एंड 6 मिनट्स, ठीक है, 34 डिग्री एंड 6 मिनट्स। उसके अलावा बीटा हमने फाइंड किया जो कि इक्वल था 55 डिग्री एंड 54 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 6 एलिमेंट्स आ चुके हैं, ये था सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो सोल्यूशन का हमने एक केस देखा कि आपके पास क्या गिवन हो और आपने क्या फाइंड करना हो। तो एक और केस भी ऐसा हो सकता है कि जब कहा जाए, केस टू मैं लिख रहा हूँ, केस टू हो सकता है व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड वन एंगल, व्हेन मेजर्स ऑफ वन साइड एंड वन एंगल आर गिवन, यानी कि आपको एक एंगल की मेजरमेंट गिवन हो और एक साइड की लेंथ आपको गिवन हो, तब आपने क्या फाइंड करना है, बाकी सबके सब एलिमेंट्स आपने फाइंड करना है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। पहले मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकें। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह से, जिस तरह मैंने पहले भी बनाई, ठीक है। तो इस वर्टेक्स का नाम ए, उसका बी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, और उसके अलावा साइड्स के नाम, ये ए साइड है, ये बी साइड है, और ये सी साइड है, ठीक है। उसके अलावा एंगल्स, ये गैमा, ये हो जाएगा जी बीटा, ये हो जाएगा, बल्कि ये इसको हम अल्फा कहेंगे क्योंकि ए साइड ये है, इसके ऑपोजिट अल्फा, और ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो मैंने लिख दी, एक ट्रायंगल मैंने बना दी है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। हमें गिवन है अल्फा, अल्फा हमें गिवन है जी, वो है 58 डिग्रीज एंड 13 मिनट्स, ठीक है, अल्फा गिवन है। उसके अलावा बी साइड हमें गिवन है, बी साइड की मेजरमेंट किसके इक्वल है, 125.7। उसके अलावा हमें क्या गिवन है, ये दो हमें का यही कहा गया था ना, मेजर ऑफ वन साइड एंड वन एंगल आर गिवन, यानी कि एक साइड आपको गिवन होगी 125.7 है, और एक एंगल आपको गिवन हो गया
58 डिग्री एंड 13 मिनट्स। उसके अलावा देखें, अब हमें तो ये पढ़ा था कि हमें तीन चीज़ें हमें बतानी चाहिए, तीन एलिमेंट्स हमें बतानी चाहिए। तो यहाँ से आप गैमा की वैल्यू देख सकते हैं, गैमा जो है वो राइट एंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री इसके इक्वल होगा। तो यानी कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स तो आ गए जो हमें गिवन है, उसके अलावा जो तीन एलिमेंट्स हैं वो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। वही मेथड आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ आप फाइंड के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक एंगल तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक एंगल तो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, कि दो एंगल्स आपको गिवन हो, एक एंगल फाइंड करना, थर्ड एंगल फाइंड करना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है। इसमें से आपको अल्फ़ा गिवन है, इसके अलावा आपको गैमा गिवन है, तो बीटा आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है केस टू हो सकता है, तो और भी बहुत से केसेस हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है बताया, दो केसेस यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल, टॉपिक का नाम भी ये था सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल। तो हमने देखा कि एक राइट ट्रायंगल का हम सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है, और आपके मजीद कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे डिफरेंट क्वेश्चन के साथ।